ध्यान
काले पीला अद्भुत सुर नरे
मुनि व्रत वर्तमान जो आपका वह भविष्य मन जा
उन्हीं शासन है भगवान महावीर स्वामी की। उपस्थित है आपको दोनों का ही लाभ मिलेगा, अपना स्थान ग्रहण कर लें। मन मान को पवित्र करेंगे। मेरे साथ एक बार मन में शिवा आप सभी और वहां से देखा बोलिए के जो टीम लीडर टीम हेड होंगे हमारे दिगंबर जैन सभा के प्रधान आदरणीय राजकुमार जी, अशोक जी से मेरा निवेदन, राजकुमार जी का अंगवस्त्र पहना के अभिनंदन करें और मंच सरिता जी से निवेदन, सीमा जी का अभिनंदन करें। कुछ भी गवा लो, बस ताली बजानी है। कह क्या रहे हो तो सुन लो, ये कठिन 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 अनादिकाल हो गया कहते हुए, अगर कठिन कहते रहोगे तो कठिन ही बना रहेगा। आज समय है, देखो बच्चों को थोड़ा शांत करना पड़ेगा, बच्चे थोड़ा सुननी।
सहते हैं, उपसर्ग सहते हैं, लेकिन पता है मुनिराज आनंद में रहते हैं और उन्हें हम पर करुणा आती है। वो कह बोलो है क्या नहीं है, कहाँ लेना कहाँ देना कहाँ जाना कहाँ आना, कितने परिचय है। और मुनिराज तो आनंद में रहते हैं। अरे मुनिराजों की सहज डगरी, बोलिए मुनि, अरे रत्न तैसे महके बगिया, रत्न तैसे महके बगिया, मुनिराजों की सहज डगरी। अरे बोलो मुनि, सहज डगरिया सबसे सरल स्वरूप में आना, सबसे सरल, अरे आत्म स्वरूप के दर्शन पाना, आत्म स्वरूप के दर्शन पाना, आत्म स्वरूप के दर्शन पाना। और क्या है मुनिराजों के पास, अरे अपरिग्रह से भरी है कठरिया, अपरिग्रह से भरी है कठरिया, मुनिराजों की सहज डगरिया, मुनिराजों की सहज डगरिया। क्या बोलिए परम दिगंबर मित्रा की, मुनिराजों की। नियम यही है कि जैसे आपको वर्ड मिले, शब्द मिले, आपको उसी अक्षर से अपना भजन शुरू करना है। राउंड चलेगा सम्यक दर्शन समय ज्ञान समय चयन का, तीन बार राउंड होगा, ठीक है। और जहाँ भी कोई मिस्टेक हुई है, विदेह से तत्वों के ज्ञान को जिन वाणी को रखना, अरे भक्तों संभाल के हम लाए हैं, विदेह से तत्वों के ज्ञान को जिन वाणी को रखना, अरे भक्तों संभाल के मक्खनी परोसा है छाछ को निकाल के, अरे बोलो मक्खनी परोसा है छाछ को निकाल के, जिन वाणी को रखना, अरे भक्तों संभाल के। जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, उस श्री जिन वाणी में होता तत्वों का सुंदर तम दर्शन। नाम तुम्हारा पावन हारा, पग तेरा क्षय होगा, तेरी महिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। गाले प्रभु करूं सदा दीजिए निवास को, सब लिए नहीं कर।
अपने दुखों की हम दवा मांगते Thank you.
चलिए दूसरा राउंड क्या है, ये जूनियर्स का देखिए, इसमें कुछ पर्चियां डाली गई हैं और हमें अंताक्षरी नहीं मिली। किसी पुराण पुरुष का नाम हो सकता है, इसमें किसी तीर्थंकर का नाम हो सकता है,
वो नाम सुन के पुरुष से संबंधित या तीर्थंकर से संबंधित उनके काल में हुई कोई घटना का आपको याद दिलाना है, क्या इनके काल में घटना बहुत कठिन नहीं है? बहुत कठिन आप कहाँ खड़े कर रहे हो बनाई मैंने मुश्किल आप क्या ठीक है ठीक ये बोर्ड के एग्जाम है और ट्वेल्थ के हैं, दसवीं वाले नहीं। ये पंडित जी इसमें बजेंगे तो नहीं नहीं बजेंगे, केवल आपको उस महापुरुष से संबंधित उसके काल में हुई या उसके साथ में हुई घटना को बताना है कि इनके साथ में ऐसा था। एग्जाम्पल बताओ, मैं एग्जाम्पल बताऊंगा तो इसमें आ जाएगा। नहीं नहीं रूम में रखूंगा नहीं। मान लो पारसनाथ से गिला तो आप बता दो, चार सुना मैंने तो आपने आठ कर दी, हो सकता है काल के हिसाब से बढ़ रही हो भैया। चार सुना मैंने, आठ सुना जी, चार तो मैं आठ लिखा हूँ चार। चलो ठीक है, जो भी बात है चार रानियां हुई और बली आचार्य श्री रिटर्न में जब वो क्योंकि मौके गए मुझसे वो ये याद नहीं रखता था, उन्होंने ग्रंथ लिखा हरसेन आचार्य में, उन्होंने तो उनकी परीक्षा की तो हो गया, उसके बाद क्या क्या किया किया क्या तो उन्होंने शतखंडाकम नाम का सम्यक चरित्र के लिए पर्ची आ रही है।
बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अकलंग और निकलंग दो भाई थे, अकलंग को एक बार में याद होता था और निकलंग को दो बार में याद होता था। तो अकलंग निकलंग ने कहा भैया तुम रह जाओ, मैं अपने प्राण गवा देता हूँ, क्योंकि तुम्हें एक बार में याद हो जाता है तुम्हारे से धर्म की प्रभावना ज्यादा होगी। तो उन्होंने प्राणों को निछावर कर दिया और अकलंग देव ने फिर आगे हमारे लिए ग्रंथों की रचना की। चलिए जोरदार तालियां, एक राउंड रह गया है सम्यक दर्शन के लिए। भद्रबाहु स्वामी उनके सामने क्या घटना हुई?
उनके 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 जीवन की जो प्रसिद्ध बात है सब जानते हैं, भद्रकाली स्वामी। समय देखिए, भद्रकाली स्वामी चलिए ठीक, ये पास कर रहे हैं आपको, पास कर रहे हैं, बताइए भद्रकाली स्वामी। कंचों में कंचे लगा के पूरी सीरीज बनाई थी, तो उससे उनको मूलराज को लगा कि ये बच्चा कितना प्रबल है ज्ञान में। क्यों क्लियर नहीं? भद्रबाहु स्वामी बोला है, भद्रबाहु स्वामी आचार्य, भद्रबाहु स्वामी। हाँ बताओ 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 बताओ, उनके साथ में क्या घटना हुई या उन्होंने क्या बताया, क्या कहा, कुछ बताया किसी को? हाँ स्टेज पर अभी भद्रबाहु स्वामी के लिए भैया, यहाँ तो स्वास्थ्य है की बहुत जरूरत है, पंडित जी है बहुत जरूरत है। हाँ जी बताइए, कितने साल का? कितने साल का? 12 साल का। बहुत सुंदर, जोरदार तालियां। उन्होंने एक बालक को रोते हुए देखा और रोते हुए भी ये घोषणा करी कि उत्तर भारत में 12 साल का काम पड़ेगा, और वो पढ़ा। पुनः सम्यक दर्शन की टीम के लिए ये तो आप तो दोबारे राउंड चालू ना, तो आपका रहेगा ना, क्वेश्चन तो आएगा ना आपके पास, उससे क्या मतलब है? हाँ जी दूसरा वाला बता देते हैं। आपके लिए शब्द आया है अजित नाथ तीर्थंकर। इनके जीवन काल में क्या हुए जगत में आज तक प्रसिद्ध है? देखो आप बातें करो तो माइनस कर नहीं, भैया जो भी देखे ना इनको देख लो, आप कौन बोल रहा है? चलिए आपको बताना चाहेंगे? नहीं नहीं, चलिए सम्यक चरित्र। अरे आपको बताओ तो उनको, हम ना हमारा काम है, आपको बताओ इतना भगवान के काल में क्या हुआ था? नहीं पता, चलिए 130 नहीं गलत। हाँ जी जोरदार तालियां, 170 तीर्थंकर अजितनाथ भगवान। क्या भैया तुम क्या नाक कटवाते हो यार तुम? चलिए और एक बार ही, चलिए अब दूसरा इसके लिए पर्ची ज्ञान। चलिए एक बार स्कोर बता दीजिए। दुनिया में सम्यक दर्शन 3 के 2 राउंड के बाद होंगे दर्शन, सम्यक ज्ञान के 15 अंक और सम्यक चरित्र के भी 15 अंक। केशरिया केशरिया आज हमारो रंग केशरिया, केशरिया केशरिया आज हमारो रंग केशरिया। अरे हम भी केशरिया, तुम भी केशरिया, हम सबके हैं भाव केशरिया। केशरिया केशरिया आज हमारो रंग केशरिया। चलिए ये 3 पर्चियां इसमें डाली गई हैं, एक एक पर्ची एक एक टीम के लिए निकलेगी और इसमें 10-10 प्रश्न लिख रहे हैं बहुत सरल सरल, उनके आपको उत्तर शीघ्रता से देने, ठीक है ना? चलिए सम्यक दर्शन के लिए निकला है, आप एक जना कोई भी माइक ले लीजिए और अगर किसी को उत्तर पता है तो आप उनसे उत्तर लेके बोले, आप माइक चेंज ना करें, ठीक है ना? आपको उत्तर देना है और ये जो राउंड है 2 मिनट का राउंड है, 2 मिनट में आपको सारे क्वेश्चन के आंसर देने हैं। नहीं हुआ आपको नहीं आता तो जल्दी से पास कर दीजिए, नहीं तो वो क्वेश्चन है जाएंगे। चलो भैया शांत हो जाओ, बिल्कुल शांत हो जाओ। चलिए और आपका
ये समय हटो भाई समय नहीं जो नहीं है वो जी करके मारे कुछ नहीं चलिए एक दो तीन आपका समय शुरू होता है अब समय दर्शन के कितने अंग हैं आठ बिल्कुल सही है दो कल्याणक वाले तीर्थंकर कहाँ पाए जाते हैं विदेश बिल्कुल सही राजा दशरथ की कितनी रानियां थी चार बिल्कुल सही उत्तम शौच किसके अभाव में प्रकट होता है दो क्या हो बिल्कुल सही आकाश के कितने भेद हैं आकाश के दो बिल्कुल ठीक वर्तमान में किन आचार्य की आमनाएं चल रही है आचार्य कौन बिल्कुल सही किसके किनके भाने से तीर्थंकर प्रकृति बनती है बिल्कुल सही सूरज चांद सितारों में कौन से देव पाए जाते हैं ज्योतिषी बिल्कुल ठीक पांडव शिरा कहाँ होती है कहाँ कहाँ होती है पांचों मेरो सुमेरु पर्वत बहुत सुंदर पांचों मेरो धन्य धन्य आप धन्य धन्य आज भैरव कैसी सुख तार है धन्य धन्य आज भैरव कैसी सुख तार है सिखों का दरबार है या सिखों का दरबार सिखों का दरबार सिखों का दस के दस ठीक हो गए राजकुमार जी की आवाज निकल गई चलिए समय ज्ञान के लिए पर्ची आई मेरे पास और आपका टाइम शुरू होता है अब भागों के सिवा पर्युषण पर्व और कब कब आता है क्या महीने का नाम बताना है गलत उत्तम आकिंचन्य धर्म किसके अभाव में प्रकट होता है बिल्कुल सही नरकों में न्यूनतम आयु कितनी है 10,000 क्या गलत गलत हो गया संयम कितने प्रकार का होता है बिल्कुल सही निगोदिया जीव कौन सी गति का जीव है सही है सिद्ध भगवान कितने इंद्रिय जीव हैं बिल्कुल सही जैन धर्म के अनुसार एक बूंद पानी में कितने जीव होते हैं 36,450 गलत एक विदेह क्षेत्र में सदा काल एक विदेह क्षेत्र में सदा काल कितने तीर्थंकर होते हैं चार बिल्कुल सही उपाध्याय परमेष्ठी के कितने मूल गुण हैं 25 बिल्कुल सही तीर्थंकर क्या कहकर दीक्षा लेते हैं ओम नमः शिवाय नमः शिवाय हरि पीतराग जिन मंदिर में ये कैसी जय जय हो रही है पीतराग जिन मंदिर में ये कैसी जय जय बनेंगे हम भी अब भगवान बनेंगे कैसी जय जय हो रही से हम भी अब भगवान बनेंगे कैसी जय जय हो रही से हाँ जी समय चरित्र के लिए पर्ची आई है और समय शुरू होता है अब सीता जी का जीव वर्तमान में कहाँ है गलत गलत पांच में से दो पांडव जो मोक्ष नहीं गए वो कहाँ गए यार बोलोगे तो कैसे कम करोगे इनका माइनस करो एक इनका समय दर्शन का माइनस करो इन बच्चों को समझाना पड़ेगा माइनस करो बिल्कुल पांच माइनस करो हाँ जी बिल्कुल ठीक दही और दाल मिलाकर खाने से कौन सा दोष आता है बिल्कुल ठीक एलक चुल्लक कौन से परमिष्ठी में आते हैं गलत गलत किनके नमस्कार से शिव पिंडी फटी पास कौन से देव मात्र तप कल्याणक में आते हैं बिल्कुल ठीक नियम सार ग्रंथ के रचयिता बिल्कुल ठीक गौतम गणधर का दीक्षा से पहले क्या नाम था बिल्कुल ठीक समम क्षण में जाने के लिए कितनी सीढ़ियां होती हैं गलत सातवें चक्रवर्ती का नाम बताइए सातवें चक्रवर्ती का नाम पास करो या कैसे करो पास कर दो सातवें चक्रवर्ती का नाम कौन बतलाएंगे जी का नाम हाँ जी भरत चक्रवर्ती कुछ भी बोल दो बस पहले चक्रवर्ती वो कह रहे सातवें चक्रवर्ती भरत चक्रवर्ती हाँ जी कौन बताना चाहेंगे आप पीछे से चलिए
लिए कोई नहीं है। अगर हम इधर से पूछेंगे चलिए बहुत बढ़िया आंसर दिया इन्होंने, इनके नंबर तो नहीं जुड़ेंगे लेकिन अरे भैया रोज पढ़ते हो ना, पांचवें चक्रवर्ती कौन थे? शांति। तीसरे राउंड के बाद सम्यक दर्शन के 85 अंक, सम्यक ज्ञान के 65 अंक और सम्यक चरित्र के 60 अंक। सम्यक दर्शन की चलिए बस दो दो प्रतियोगिता और अपने को खेलनी है, एक नीचे के लिए ऊपर के लिए। अब हम नीचे के लिए देखिए समय हो रहा है, दो प्रतियोगिता हो रहे हैं, एक ऊपर के लिए एक नीचे के लिए। ये पूछ रहे हैं कि अभी और है क्या यही के लिए आपके लिए इस पर्ची में निकलेगा। अभी नीचे वाले के लिए है, एक शब्द आपके लिए निकलेगा और उस शब्द का विलोम शब्द आपको बतलाकर उस पर भजन बोलना है। बहुत आसान है, घबराने की जरूरत नहीं। पर्ची निकल रही है सम्यक दर्शन के लिए, आपको क्या करना है, जो शब्द इसमें निकलेगा उसका विलोम शब्द माने उसका विपरीत शब्द आपको बतलाना है और उस पर भजन बोलना है। चलिए 10 सेकंड बहुत, अच्छा चलो 20 सेकंड। शरीर 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 से जोरदार तालियां इनके लिए लाइए, दूसरी पर्ची बहुत सुंदर, जोरदार तालियां प्लस मार। शब्द है संसार, संसार का उल्टा क्या होगा, इनके माइनस करो, इनके माइनस करो 5। नहीं नहीं बोल दिया, देखो पारस प्रभु मोक्ष गए बनी कर। हाँ बोलो बोलो। पारस प्रभु मोक्ष गए कहीं बड़ी बात है, जयकारो की घड़ी लगी हमारे साथ है, जयकारो की घड़ी। पूरा कर दिया जोरदार तालियां। संसार का उल्टा क्या है, मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे, मोक्ष के लड़ते देखे तुम्हें पर सोने वाले भूमि पे चलते देखे। हाँ जी सब मैं चैत्र के लिए पर्ची आई है, गृहस्थ सम्य दर्शन के लिए जल्दी जल्दी करवा रहे हैं। रागी बहुत सुंदर जोरदार तालियां इनके लिए, रागी का उल्टा गीत रागी। बस एक वीत रागी को सिर है झुकाना, बस एक वीत रागी को सिर है झुकाना। हाँ जी आपके लिए एक बड़ा सरल सा शब्द निकला है, सरल हो गया। हाँ जी कोई बोलना चाहेगा, शब्द है अज्ञान। ज्ञान सम्यक मेरा हो गया, ज्ञान सम्यक मेरा हो गया। बहुत सुंदर, अज्ञान सम्यक मेरा हो गया, मिथ्या भ्रम का अंधेरा विलय हो गया, ज्ञान सम्यक मेरा हो गया। हाँ जी सम्यक दर्शन के लिए शब्द आ रहा है, गायक है तू, भक्ति का धारक है तू, चेतन
चलिए बहुत बढ़िया। सम्यक ज्ञान के लिए हाँ जी कौन बोल रहा है? नंबर कटवाने क्या? अरे नंबर कम हो जाएंगे। हाँ जी जल्द समय हो गया। ताकि उत्तम क्षमा पे जी अचंबो मने आवे, उत्तम क्षमा पे जी अचंबो मने आवे, किस विधि की ले करम चके। जोरदार तालियां की थी, बहुत बढ़िया हो गया काम पूरा। इसमें से एक पर्ची निकलेगी, आप अपनी टीम में से एक सदस्य को यहाँ भेजिए और यहाँ वो आपको इशारों से कोई सिचुएशन बताएंगे और वो सिचुएशन आपको समझनी है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, उस पर आपको घटना बतानी है कि क्या कहना चाह रहे हैं और भजन बोलना है, उस पर भजन बोलना है, घटना बतानी है और भजन बोलना है, उस पर भजन मिल जाएगा, कोई चिंता ना करें। हाँ बिल्कुल बोलेंगे वो, आपको केवल इशारे से समझाना है। Mm-hmm.
जाओ पीछे को बेटा पीछे कलम चलो चलिए और कौन सी समय आ रहा है क्या कराएंगे हाँ बहुत सुंदर इन्होंने पकड़ लिया छह महीने तक इंद्रार विषम कुमार को आहार नहीं मिला और छह महीने बाद उनको इच्छुरस का किया पारण आखा बीज महान जय ऋषभ महान जय जय मुनिवर ऋषभ महान। चलिए सम्यक चार्ज के लिए अंतिम पर्ची निकल रही है और ये राउंड यहाँ पर खत्म हो रहा है और ये प्रतियोगिता यहाँ पर समाप्त हो जाएगी। सभी लोग भक्ति में जुड़ जाएंगे ये धर्म है आत्मज्ञानी का ये धर्म है आत्मज्ञानी का सेवन धर्म हमें स्वामी का इस धर्म का भैया क्या कहना ये धर्म है वीरों का कहना जय हो जय हो जय हेलो देखिए समय दर्शन के बिना पहले पीढ़ी समय दर्शन है उसके बाद ज्ञान और कार्य होगा तो ये समय दर्शन को ये हार्दिक किसी की नहीं है कोई भी अपने मन में ये हार्दिक है ये तो एक प्रतियोगिता थी सभी को बहुत बहुत बधाई बहुत आज ये प्रयास किया गया था कि थोड़ा सा इसको बदल करके चेंज करें लेकिन शायद सबको आनंद आया होगा अच्छा लगा और थोड़ा समय जरूर ज़्यादा हो गया और कोई बात नहीं दस में से एक दिन थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो आपसे क्षमा मांगते हैं और फटाफट एक बार जोरदार तालियों से सब अभिनंदन करें बच्चों का और
अच्छी प्रतियोगिता रही, खूब बढ़िया उन्होंने कार्यक्रम करा। सोमवार को आपको क्या करें कार्यक्रम प्रस्तुत करा, बहुत सुंदर आध्यात्मिक भजन। ऊपर 01-201-3-153 बोगी तो वापस उसमें डल जाएगा और हम सब अपने घर जाएंगे। 1-7-4-174 बोगी 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 1-7-4-1-2-3 बोगी Thank you.
लेकर कैसे ना दो बिना पहन के किसी को रखे तो ये रखा है।